एक औरत ने एक औरत को कत्ल कर दिया और अजीबोगरीब बात है, ये पूरा माशरा में ये गलत सड़ गया है। कोई उम्मीद ये कौन सी जगह है जो तबाही से बची थी। सास ने अपनी बेटी के साथ मिलकर अपनी सात माह की हामिला बहू को कत्ल कर दिया और उसकी लाश के टुकड़े करके मुख्तलिफ नालों में फेंक दिए और उसके सर को चूल्हे पर जलाया। आखिरी बात, ये बहुत ही मकरूह और अजीबोगरीब बात है, ये पूरा माशरा में ये गलत सड़ गया है। तीसरा जो दर्जा होता है कैंसर का, इज्तमाई तौर पे ये माशरा उस फेज में दाखिल हो चुका है। ये बातें मैं अक्सर करता हूं, कुछ लोगों को बुरी भी लगती है, लेकिन आर्ग्यूमेंट मुझे कोई नहीं देता कि कोई उम्मीद की एक करें। जब को कहता है जी फलां जगह ये तबाही आ गई फलां जगह, तो मैं कहता हूं कौन सी जगह है जो तबाही से बची हुई है, कौन सा शोभा है मुझे बता दो आप। अच्छा, बात क्या है, डस्का में सास ने अपनी बेटी के साथ मिलकर अपनी सात माह की हामिला बहू को कत्ल कर दिया और उसकी लाश के टुकड़े करके मुख्तलिफ नालों में फेंक दिए और उसके सर को चूल्हे पर जलाया। शायद ही औरत कभी नमाज भी पढ़ती हो, रोजा भी रखती हो, रब रसूल का जिक्र भी करती हो, लेकिन ये कितनी दरिंदगी, बंदा एक एबनॉर्मल नींद पागल आदमी से एक्सपेक्ट नहीं करता। और इससे भी अगली बात, तफ्तीश के दौरान सास ने बताया कि बेटे का बहू से बेपनाह प्यार बर्दाश्त नहीं होता था और पैसे भी मुझे भेजने की बजाय अपनी बीवी को भेजता था। अब पता नहीं वो बैरून मुल्क है या शहर से बाहर था, लेकिन बहरहाल ये खबर बाजार बहुत मामूली है। एक औरत ने एक औरत को कत्ल कर दिया, इतनी खबर है ना, लेकिन रिश्ता क्या था, उसका बैकग्राउंड क्या, उसको देखने के बाद इस माशरे का मुस्तकबिल प्रिडिक्ट करना मुश्किल नहीं है। पसंद ना है तो और बात है। अगली बात बहुत दिलचस्प है, सुभान अल्लाह, नवाज शरीफ का जो बेटा है वो जाहिर है कारोबारी शारोबारी लोग हैं, एक ही बेटी जरा ढंग की थी, वो पॉलिटिक्स में, बाकी सारे तो गायब हैं, किसी को पता ही नहीं है कौन लोग हैं। ये हैं बेचारे लल्लू माते। तो नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को बरतानवी हुकूमत के टैक्स रेवन्यू डिपार्टमेंट के केस में दिवालिया करार दे दिया गया है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं, वैसे नवाज शरीफ के नाम पे भी कुछ नहीं बताया, मरियम के नाम भी कुछ नहीं, उसने तो कहा था कुछ भी नहीं है, बाद में फिर पोल भी खुला। अच्छा, भाई दिवालिया डिक्लेयर हो गया है, दूसरे के नाम पे पता नहीं क्या होगा, ये कॉम्प्लिकेटेड चक्कर है। मैं किसी टैक्स कंसल्टेंट को कंसल्ट करूंगा, ये सारी सूरत हाल समझूंगा कि अगर ये भी दिवालिया है, उसके पास भी कुछ नहीं, उसके पास कुछ नहीं तो ये सेवन स्टार लिविंग, ये याशियां, ये तैयारे प्राइवेट और दुनिया की सारे सूरे, ये लक्षण सारे कैसे पूरे हो रहे हैं, कौन कर रहा है। लेकिन एक और एस्पेक्ट है बड़ा जबरदस्त, अब पता नहीं सूरत हाल क्या होगी। बचपन में हम सुना करते थे कि हिंदू कहते हैं कि जो वो भी कोई कारोबारी है जो दिवालिया ना हो, दिवालिया के पीछे भी एक वारदात हो सकती है। दिवालिया डिक्लेयर हो गए आप, जीरो मीटर हो गए, उसके बाद फिर आपने जो करना है, मैं आई डोंट नो, मैं प्रोफेशनल नहीं हूं इस मामले को, मैं जानता नहीं लंबा चौड़ा, सिवाय इसके कि मैं बहुत ज्यादा टैक्स देता हूं, करोड़ प्लस से, जाहिर है मैं एक सैलरीड आदमी हूं, कारोबारी तो नहीं, तो लेकिन मैं इन मामलात को जानता नहीं, मैं समझ के इंशाल्लाह कल नहीं तो परसों में किसी से मशवरा करके मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन मेरे लिए हैरत अंगेज बात है, ना प्यो के नाम तक कुछ है, ना भैन के नाम तक कुछ है, एक को दिवालिया हो गया है, तीसरा पता नहीं, आई डोंट नो, लेकिन ये दुनिया बड़ी दिलचस्प चीज़ है, यहाँ पता नहीं क्या क्या कुछ होता है। तो ये उनकी जायदाद है, वो इनकी वेल्थ को तो छोड़ें, आप दुबई जाएं जरा लोगों से चेक चुक करें तो आप हैरान रह जाएंगे इनके समधी की दौलत देख के। इमरान खान की कॉल पे अगर आवाम बाहर निकल आए तो उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो अंदाजा, ये जो लोग ये इस तरह की बात कर रहे हैं उनका कहना ये है कि जल्द ही इमरान खान को रिहा करके जमान पाक लाया जा सकता है और फिर वहां उनके साथ मकालमा हो सकता है। बातचीत का मकसद ये होगा कि इमरान खान अगर इक्तदार में वापस आते हैं तो अपने मुखालफीन से सियासी इंतकाम नहीं लेंगे। इस पे तो मैं तबसरा नहीं करता, लेकिन एक बात है, मकालमा, डायलॉग, बातचीत ये बहुत जरूरी है,
ये मुल्क बहुत कीमती है, कुत्तों से बदतर सलूक होगा, खुदा ना खास्ता इफ समथिंग गोज रॉन्ग, कितने लोग हैं जो मुल्क छोड़ सकते हैं ज्यादा। तो इसलिए दिल पे पत्थर रख के भी प्रायोरिटी आप अपने मुल्क को ही समझें, जिसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं, और जो है वो फिर बहुत ही भयानक होगा। सो मैं तो जाती तौर पे इस जो सिनेरियो जो कुछ लोग पेश कर रहे हैं, इस तरह का मंजर, मैं उसके लिए दुआ करूँ, ये एक सेम डिसीजन होगा। कोई ऐसी बात, कोई क्रिमिनल तो नहीं है ना यार, कोई पॉलिटिशियन है तो पॉलिटिशियन। शेख मुजीबुर रहमान को भी आपने कैद में रखा, भुट्टो को आपने फांसी लगा दिया, क्या कर दिया? भुट्टो तो मौजूद है, भुट्टो तो एक फर्द था, वो फर्द आज भी बैठा है कहां, कसर सदारत में, अपने दामाद की शक्ल में। बेटा उसको, उसका अपने इत्तेहादियों को धमकियां दे रहा है मलफूफ किस्म की, बिलावल आप भी पढ़ रहे होंगे, अब ड्यूटी लगी है इसकी साथदार की कि जाके उसको शांत करे, उससे डायलॉग करे उसको। सो अल्टीमेटली जिंदगी नाम है मकालमे का, अगर उससे कोई नतीजा बेहतर निकल आए तो मेरा ख्याल है हर तरह के लोगों के लिए, इस मुल्क की अशराफिया और आवाम दोनों के लिए बेहतर होगा। वरना याद रखें, किसी भी वक्त अगर मामला बिगड़ गया, हाथ से निकल गया, तो फिर वो किसी बात से ही वापस आएगा, और फिर वो अपनी मर्जी से वापस आएगा। सो इसलिए मेरा जाती ख्याल ये है कि अगर ये जो अफवाह कह रहे हैं या जो अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि इमरान को जबान पार करके उसके बाद उसका कोई डायलॉग वगैरह, अच्छा, और फिर वहां उनके साथ मकालमा हो सकता है। बातचीत का मकसद ये होगा कि इमरान खान अगर इकतदार में वापस आते हैं तो अपने मुखालफीन से सियासी इंतकाम नहीं लेंगे। इस पे तो मैं तबसरा नहीं करता, लेकिन एक बात है, मकालमा, डायलॉग, बातचीत, ये बहुत जरूरी है। ये मुल्क बहुत कीमती है, कुत्तों से बदतर सलूक होगा, खुदा ना खास्ता इफ समथिंग गोज रॉन्ग, कितने लोग हैं जो मुल्क छोड़ सकते हैं ज्यादा। तो इसलिए दिल पे पत्थर रख के भी प्रायोरिटी आप अपने मुल्क को ही समझें, जिसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं, और जो है वो फिर बहुत ही भयानक होगा। सो मैं तो जाती तौर पे इस जो सिनेरियो जो कुछ लोग पेश कर रहे हैं, इस तरह का मंजर, मैं उसके लिए दुआ करूँ, ये एक सेम डिसीजन होगा। कोई ऐसी बात, कोई क्रिमिनल तो नहीं है ना यार, कोई पॉलिटिशियन है तो पॉलिटिशियन। शेख मुजीबुर रहमान को भी आपने कैद में रखा, भुट्टो को आपने फांसी लगा दिया, क्या कर दिया? भुट्टो तो मौजूद है, भुट्टो तो एक फर्द था, वो फर्द आज भी बैठा है कहां, कसर सदारत में, अपने दामाद की शक्ल में। बेटा उसको, उसका अपने इत्तेहादियों को धमकियां दे रहा है मलफूफ किस्म की, बिलावल आप भी पढ़ रहे होंगे, अब ड्यूटी लगी है इसकी साथदार की कि जाके उसको शांत करे, उससे डायलॉग करे उसको। सो अल्टीमेटली जिंदगी नाम है मकालमे का, अगर उससे कोई नतीजा बेहतर निकल आए तो मेरा ख्याल है हर तरह के लोगों के लिए, इस मुल्क की अशराफिया और आवाम दोनों के लिए बेहतर होगा। वरना याद रखें, किसी भी वक्त अगर मामला बिगड़ गया, हाथ से निकल गया, तो फिर वो किसी बात से ही वापस आएगा, और फिर वो अपनी मर्जी से वापस आएगा। सो इसलिए मेरा जाती ख्याल ये है कि अगर ये जो अफवाह कह रहे हैं या जो अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि इमरान को जबान पार करके उसके बाद उसका कोई डायलॉग वगैरह, अच्छा,